विकास व बुलडोजर साथ साथ चलेंगे, योगी आदित्यनाथ। खबर यूपी के हमीरपुर से जहां राजनगर के ब्रह्मानंद महाविद्यालय क्रीड़ा परिसर में आयोजित भाजपा की सार्वजनिक सभा में प्रदेश के मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी पर जमकर प्रहार किया। इस दौरान उन्होंने गुंडा और भ्रष्टाचार को जड़ समाप्त करने के लिए भाजपा के लिए वोट मांगे। पूज्य स्वामी ब्रह्मानंद की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित करने के उपरांत प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 5 वर्ष पहले प्रदेश में गुंडे माफिया और अपराधी जनता पर अत्याचार करते थे, जिन्हें भाजपा सरकार ने जेल भेजने का कार्य किया है। हर घर नल हर घर जल योजना से बुंदेलखंड के 5 जिलों सहित पूरे देश में जल पहुँचाया जा रहा है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे व रक्षा कॉरिडोर से युवाओं को रोजगार मिलेगा। समाजवादी पार्टी के लोग पहले तमंचे बनाते थे, अब वे गोला बारूद बनाएंगे। सरकार में 41,400 किसानों का कर्ज माफ किया गया व 1,76,000 किसानों को किसान सम्मान निधि दी गई। कोरोना काल की संकट की घड़ी में भाजपाइयों के अलावा किसी भी पार्टी के सदस्य लोगों की सहायता करने का काम नहीं किया। पहले लोग बीमार व भूख से मरते थे, अब उनकी डबल इंजन की सरकार ने लोगों को 2-2 महीने मुफ्त राशन और मुफ्त इलाज व्यवस्था की। सरकार विकास और बुलडोजर के साथ साथ चलते हैं। उन्होंने प्रदेश को गुंडा माफिया और अपराधी मुक्त बनाने के लिए भाजपा को वोट देने की अपील की। इस दौरान सांसद पुष्पेंद्र सिंह चंदेल, जिला पंचायत अध्यक्ष जयंती संतराम राजपूत, जिला प्रभारी रंजना उपाध्याय, राज चेयरमैन अध्यक्ष श्रीनिवास बुधौलिया, सरीला चेयरमैन रानी शैफाली सिंह, राज ब्लॉक प्रमुख रामदुलारी अनुरागी, गोहांड ब्लॉक प्रमुख अरविंद मुखिया, मुस्करा ब्लॉक प्रमुख वीर नारायण राजपूत, सरीला ब्लॉक प्रमुख जीतू राजपूत, इंजीनियर विकास राजपूत, पूर्व मंत्री चौधरी राजेंद्र सिंह, पिछड़ा मोर्चा के क्षेत्रीय सह मीडिया प्रभारी ब्रिजभूषण दाऊ आदि लोग उपस्थित रहे तथा भाजपा प्रत्याशी और विधायक मनीषा अनुरागी ने सभी का आभार प्रकट किया। देखिए ऑल इंडिया न्यूज 24/7 के साथ हमीरपुर से आशीष निगम की रिपोर्ट। के चरणों में नमन करते हुए हमीरपुर स्थित तपोभूमि मंदिर, स्वामी रोटीराम महाराज की समाधि और अभी मुझे आज बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बन रही है ना, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बन रही है और डिफेंस कॉरिडोर भी बन रहा है। दीर्घ भूमि है, वीर और वीरांगनाओं की भूमि है, प्रचुर प्राकृतिक संसाधन से भरपूर प्रकृति और परमात्मा के सीम कृपा की भूमि है। अयोगनों 10 से लंबी थी अर्जुन सहायक परियोजना, अर्जुन सहायक परियोजना का लोकार्पण प्रधानमंत्री जी ने कर दिया है ना। हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, ललितपुर, ये 5 जनपद इसे सीधे सीधे लाभान्वित होने वाले हैं। दीर्घ भूमि है, वीर और वीरांगनाओं की भूमि है, प्रचुर प्राकृतिक संसाधन से भरपूर प्रकृति और परमात्मा के सीम कृपा की भूमि है। टकैतों का एक पहला साम्राज्य यहाँ पर संचालित होता था, लेकिन 5 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 2017 में आपने जो कहा था भारतीय जनता पार्टी ने उतर, मैं आप सभी राजवासियों का हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। भाइयों बहनों, बुंदेलखंड